हमारे माशरे में अगर एक शख्स जो जीन शर्ट पहनता है उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है वो दिन की बात करता है, तो होटल पे या अगर शादियों में या कहीं घर पे वो गैदरिंग में दिन की बात करने लगता है तो लोग उसको बुरी नज़र से देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, कि दुनिया के मासिल नहीं कर रहा और देखो ये बहस कर रहा है और दिन के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि दीन के बारे में आप ऐसी कोई बात ना करें जो दीन में ना हो, आप वही बात कर सकते हैं दीन में जो दीन में हो। लेकिन अगर एक शख्स रेफरेंस के साथ आपको कोई बात बता रहा है कि अगर कोई हदीस सुना रहा है उसको सही बुखारी सही मुस्लिम सही हदीस है उसका रेफरेंस भी दे रहा है तो उसकी बात में क्या गलत है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक रेफरेंस बताने वाला अगर मुफ्ती आलिम नहीं है तो वो बात नहीं कर सकता? हालांकि अगर उसने गलत बात कही तो अल्लाह ताला उस पर अजाब देगा। एक शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज मस्जिद में बहुत कम आ रहा है तो वो गुमराह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो नमाज की तरफ आ रहा है नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है बस उसकी नमाज में चेंजिंग है तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट के लोग कहते हैं कि ये गुमराह हो गया है, हालांकि जब वो नमाज नहीं पढ़ रहा था वो बिल्कुल गुमराह नहीं था। ये हमारी थिंकिंग है और मेरे भाई ये हमारी गलत सोच है कि दीन का इल्म सिर्फ मदरसे से फारिग इंसान ही कर सकते हैं। दीन का इल्म हर इंसान हासिल करे और उसको स्प्रेड करे, फिर वो चाहे जीन्स पहने फिर चाहे वो कुर्ता पजामा पहने, दीन का सही इल्म हासिल करे और सही इल्म लोगों को बताए। अगर आप बस ट्रेन या यूनिवर्सिटी में हैं और कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछता है कि मेरे भाई आपकी इस्लाम में ये क्यों है, आप हम कैसे मान लें कि आपकी कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया? हम तो मानते हैं कि आपकी कुरान नबी ने लिखी है, तो आप उसको साइंस से लॉजिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि ये अल्लाह ताला की खालिस किताब है? आप अगर कुरान पढ़ेंगे नहीं तो आप कुरान में जो साइंस वाली आयत है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके लिए आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको दीन का इल्म हासिल करना पड़ेगा। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है दीन का इल्म हासिल करने की क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोग मिलते हैं। मदरसे में सब मुसलमान पढ़ते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर गैर मुस्लिम पढ़ते हैं, तो अगर आपको दीन के बारे में नॉलेज नहीं होगी, दीन के बारे में जो मिसकंसेप्शन जो फैली हुई है उनके बारे में पता नहीं होगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो लोगों को कैसे दीन बताएंगे? अभी एक आम मुसलमान से पूछ ले कि हुजूर कि 11 शादियों की क्या वजह, अल्लाह ताला ने क्यों परमिशन दी? हमारे यहाँ 4 शादियों करने की अल्लाह ताला ने क्यों परमिशन दी? हम जानवर को क्यों खाते हैं? या बहुत सी जो गलत फहमी इस्लाम के बारे में लोगों को है वो एक आम मुसलमान को भी नहीं उसके बारे में पता है, तो हम कैसे गैर मुस्लिम को इस्लाम बताएंगे जबकि खुद हमें नहीं पता है? एक आम मुसलमान से पूछो कि कैसे प्रूफ करें कुरान अल्लाह ताला की ही किताब है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको लॉजिकली साइंस के जरिए कैसे प्रूफ करेंगे? एक आम मुसलमान प्रूफ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई इसके लिए आपको दीन का इल्म हासिल करना पड़ेगा, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई मुफ्ती आलिम हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो करके भी दीन के बारे में जो गलत फहमी लोगों को है उसको दूर कर सकते हैं अपने वीडियोस के ज़रिए, अपने स्कूल के ज़रिए, जहाँ भी रहते हैं आप, दुकान पर रहते हैं कस्टमर से या कहीं भी बस ट्रेन पर, तो आप दीन की बात करें, अहसन बात करें, अच्छी बहस करें, दीन के सही रेफरेंस के साथ बात करें, लेकिन दीन की बात ज़रूर करें और अपने लिए सदका जरिया, अपने मरने के बाद ऐसा सदका जरिया ज़रूर बना के जाएं जो आपको मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहे, तो वो सिर्फ नॉलेज है। अल्लाह ताला हम सबको दीन का नॉलेज हासिल करने की तौफीक दे, उसको स्प्रेड करने की तौफीक दे, उस पर खुद भी अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकअल्लाह खैर।